आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुन। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। أصيبكم طهارات للفم مرضات للرب مسواك منہ کو صاف رکھنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। रियासती वजीर आफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने शहर में कोरोना वायरस में इजाफे के पेश नज़र दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल की जानिब से चलाई जाने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ को मुस्तरद किया, जिसमें वजीर मौसुब से मनसूब करते हुए बताया गया है कि शहर हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन का निफाज ज़ेर गौर है और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक आला सतही इजलास मुनाकिद करेंगे। मस्कुरा न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ के वायरल होने के बाद आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद वजीर मौसुफ ने वाज़े किया कि इन्होंने इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है। महाराष्ट्र दिल्ली में महकमा पुलिस के बाद तेलंगाना का महकमा पुलिस भी कोरोना वायरस की लपेट में आ चुका है। ज़राए के मुताबिक पिछले दो दिनों में 15 पुलिस अहदेदार कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। जुमा के रोज़ पंचारा हिल्स पुलिस स्टेशन के 7 पुलिस कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर के मुतासिर होने की तला है। वहीं बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में जुमला 150 पुलिस मुलाजमीन बरसर खिदमत हैं, जिनमें से 50 मुलाजमीन की तिबी मुआयना करवाए गए हैं। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक पुलिस कांस्टेबल की भी कोविड-19 से मौत हो गई थी। गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के ताल्लुक से मतजाद दावे किए जा रहे हैं। एक जानिब जूनियर डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद अपनी हड़ताल जारी रखे हुए, तो दूसरी जानिब कुछ डॉक्टर्स के ड्यूटी पर रुझे होने का दावा भी किया जा रहा है। इस तरह हड़ताल के समय पैदाशुदा तातुल अभी खत्म नहीं हुआ है। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की जानिब से डॉक्टर्स के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर के तयकुन के बावजूद जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल जारी रखी हुई है। हुकूमत हड़ताल की एक सोई का दावा कर रही है, जबकि जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि वो अभी हड़ताल पर है। उन्होंने हुकूमत को हड़ताल की नोटिस दी है। जूनियर डॉक्टर्स गांधी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत के वाज़ह तयकुन तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रवां माह की 15 तारीख से ज़िलाई अदालतें खोलने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। ज़िलाई अदालतों और ट्रिब्यूनल्स ने इस माह तक लॉकडाउन के जारी रहने के लिए ताज़ा अहकाम जारी किए हैं। रियासत में कोरोना की शिद्दत के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले पर दोबारा गौर किया है। एजी प्रसाद ने वकला पर जोर दिया है कि वो हाई कोर्ट के फैसले में तआवुन करें। देवरकुंडा में आज नरेंद्र मोदी हुकूमत की 6ठी सालगिरह के मौके पर मकामी बीजेपी कायदीन की जानिब से मरकजी हुकूमत की अवामी फलाई स्कीमात को आवाम तक ले जाने का एक प्रोग्राम मुनाहिद किया गया है। इस प्रोग्राम में सदर स्वच्छ भारत अभियान कमेटी गारला पार्टी जितेंद्र गुप्ता ने शिरकत की है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने 6 साल में आवाम की खदमात को के वो रिकॉर्ड कायम किए हैं, जो अब तक किसी भी हुकूमत ने कायम नहीं किए। ज़िले के बीजेपी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। రాష్ట్ర స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కమిటీ చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నాను. గతంలో 2019 పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నల్గొండ పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీట్ ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం కేంద్రంలో 2వసారి అధికారం చేపట్టిన తర్వాత సంవత్సరమైన కాలంగా ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన ముఖ్యమైన విషయాలు పార్టీ పరంగా ప్రతి బూత్ లెవెల్లో 25 కుటుంబాలు తగ్గకుండా 25 కుటుంబాలను కలిసి ఈ తీసుకున్న నిర్ణయాలు
దేశాభివృద్ధి కొరకు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఇలాంటి విషయాలు తెలపడానికే వారు స్వయంగా రాసిన మోదీ గారు స్వయంగా రాసిన లెటర్ను ప్రతి ఇంటికి చేర్చడానికే ఈ పనిలో ఉన్నాము. దానిలో భాగంగానే దేవరకొండ అసెంబ్లీ చింతపల్లి మండలంలో ఈరోజు సాయిరెడ్డిగూడెంలో ఆ కార్యక్రమం చేయబోతున్నామని చెప్పేసి తెలియజేయడం సంతోషిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సర కాలంలో చేపట్టిన కార్యక్రమాలు చెప్పాలంటే త్రిపుల్ తలాక్, అలాగే 370 సిఏఏ అన్నిటినీ ఎన్నో. आदिलाबाद जिले में आज कांग्रेस की जल दीक्षा के पेश नज़र जिले के सभी सरकर्दा कायदीन को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया. आदिलाबाद में सुजाता को, निर्मल में महेश्वर रेड्डी को और कागजनगर में हरीश राव को घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया है. आज आदिलाबाद के मुख्तलिफ ज़ेर तकमील आबी प्रोजेक्ट्स पर कांग्रेस आला कायदीन बशमूल रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी भी शिरकत करने वाले थे, जिसके पेश नज़र पुलिस ने सख्त इकदाम कर रखे थे. వారికి పోలీసు బందోబస్తుతో మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మమ్మల్ని ఈ రకంగా నిర్బంధించి ఎక్కడికక్కడ గ్రామాల వారీగా మండలాల వారీగా నాయకుల్ని కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేసి మమ్మల్ని బయటకు వెళ్లకుండా మరి నిర్బంధం చేసి ఈ రకంగా మమ్మల్ని పూర్తిగా మమ్మల్ని కట్టడి చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో మరి ఇంతటి అప్రజాస్వామ్యాన్ని మేము చూడలేదు. మరి ఇంతటి నిర్బంధం నిజంగానే ఆ రోజు కూడా జరుగుంటే ఈరోజు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చుండేదని అడుగుతున్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడైనా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో నడుచుకుంటుంది, కానీ మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఒక నిరంకుశ పాలనను మరి ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నది. మరి ఇంతటి నిరంకుశ పాలన మేము ఎప్పుడు చూడలేదు, ఇంతటి నిర్బంధన కూడా ఎప్పుడు మేము చూడలేదు. ఇది ఎప్పటికి కూడా ప్రజాస్వామ్య మనుగడకు మంచిది కాదు. మరి ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలి, మరి మాకు కూడా మరి స్వేచ్ఛను ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాను. జై కాంగ్రెస్. निर्मल में कांग्रेस कायद व साबिक एमएलए महेश्वर रेड्डी ने आज घर पर नज़रबंद किए जाने के बाद घर पर ही जल दीक्षा का आगाज किया है, लेकिन पुलिस की जानिब से इनके घर पहुंचकर वहां मौजूद कांग्रेस कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और महेश्वर रेड्डी को दीक्षा को नाकाम बना दिया गया. महेश्वर रेड्डी ने पुलिस के इस अमल को गैर जमहूरी करार देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के एहतजाज को दबाने की कोशिश कर रही है. राजना सरसला जिले में आज करीमनगर पूनम प्रभाकर को गिरफ्तार करते हुए घर पर ही रहने पर मजबूर किया गया है. पूनम प्रभाकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनाखिदात जल दीक्षा में शिरकत के लिए जा रहे थे. पूनम प्रभाकर ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत आबी प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर धांधलियों की मुर्तकिब हुई है और इस तरह कांग्रेस के एहतजाज को दबाकर अपनी गलतियों पर पर्दापोशी करने की कोशिश कर रही है. ప్రాజెక్టుల పేరు ఎవరికి జరుగుతుంది? ఉదాహరణకు కొట్టపోచమ్మ ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభం చేస్తే నిన్న చిన్న వర్షానికే మొత్తం కొట్టుకపోయింది. సో నాణ్యత లేని పనులు అవినీతి జరుగుతుంది, పనులు జరుగుతలేదు అనేది మా ఆరోపణ. మరొక్కసారి ప్రాజెక్టు దగ్గరికి పోయినిచ్చినా పోయినియకపోయినా మా కాంగ్రెస్ నాయకత్వం చేరింది, మమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రి చేసిన కార్యకర్తలు చేరిండ్రు. మా ఆకాంక్ష ప్రభుత్వం దృష్టికి తేవడం, ఒత్తిడి తేవడం అనేటువంటిది నెరవేరిందని భావిస్తాను. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలి. ముఖ్యంగా సిరిసిల్ల ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ఈ యొక్క అప్పర్ మానేరు మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తాం. टीवी फाइव के सहाफ़ी मनोज के कोरोना से इंतकाल के बाद सहाफ़ियों के मुस्तकबिल को ख़तरा लाहक हो गया है और हुकूमत सहाफ़ियों के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी इकदाम करने से कासिर है. इन ख्यालात का इजहार कारगुजार सदर रियासती कांग्रेस रविंद्र रेड्डी रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी ने आज तेलंगाना रियासती वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुनाक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कही है. इस मौके पर दीगर सहाफ़ियों ने भी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सहाफ़ियों की खिदमात को नज़रअंदाज कर रही है. ఇప్పటికైనా ఇలాంటి సహాయము
వ్యక్తులు చేస్తే తక్కువ అవుతుంది, వ్యవస్థ చేస్తే ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనిపింపు కలిగి ముందుకు వచ్చి జర్నలిస్ట్ అని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది వాళ్ళ బాధ్యత. ఇది ఎవరి సహాయము, దాన ధర్మం కాదు. ప్రజలు కట్టిన పన్నుల నుంచి నిన్న मलकपेट वाहिद नगर में एक मासूम बच्ची पर जुल्म का उस वक्त इंकशाफ हुआ जब महल्ले वालों ने मासूम बच्ची पर ज्यादतियों से दिल बर्दाश्त होकर पुलिस चादरघाट को इतला दी है। तफसीलात के मुताबिक इस इलाके की रहने वाली एक मासूर खातून सीमा ने एक 4 साल लड़की को अपने घर लाकर पिछले 1 साल से इससे सारे घर के काम करवा रही थी। इस खातून की जानिब से इस मासूम पर जुल्म किया जाता था। आज महल्ले वालों ने इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी है, जिस पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए मासूम बच्ची को इस खातून के चुंगल से आज़ाद किया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए जाब्ते की कार्रवाई की गई। भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख सादर है, गोल मलकपेट वाहिद नगर में मैं रहने वाला हूँ। ये जो है इनका नाम सीमा है, इन पैरों से हैंडीकैप है। पिछले 1 साल से इन्होंने की बच्ची को लेकर आके, 4 साल की माइनर बच्ची को लेकर आके जो घर में काम करा रही, उनको चलने नहीं आता। उन्होंने हगलिए मुझ लिए तो भी वो बच्ची से काम करके पूरा धुला रही, धुला के उन्होंने बच्ची की हालत अभी वीडियो में कैप्चर करे, बहुत बुरी हालत होगी। बच्ची को सिर पे टाके है, पूरा पीठ जली हुई है, हाथा जले हुए बच्ची के। तो हम लोग को ये मालूम हो गया, हम लोग जाके सीधा हमारे एरिया पी एस चादरघाट में कम्प्लेन करे, यहाँ वहाँ की मदद लेके हम लोग यहाँ से एसआई साहब को ले लेके आके सीधा एक्शन लिए, एक्शन लेते कि वहाँ से उन्होंने लेडीज पुलिस को लेके आके घर में सर्च करे, बच्ची मिल गई। बच्ची को अभी सीधा क्या है वहाँ चादरघाट पीएस को ले लेके गए। अभी तो अभी हम लोगों को तेलंगाना पुलिस अंजनी कुमार साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना है, इसको सजा होना है, इसको नसीहत होना है। रुख करते हैं आंध्र प्रदेश की खबरों की जानिब। गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली तालुका में कोरोना के तेज फैलाव के पेश नज़र जिले कलेक्टर सम्मुल अनंत कुमार ने आज ताड़ेपल्ली के दौरा किया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि महानाडू और सोलकापेट इलाकों में अब तक जुमला 35 मामलात दर्ज किए गए हैं। इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन के तौर पर निशानदेही भी कर दी गई है और इन इलाकों में मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी आयद की जा चुकी हैं। इन्होंने कहा कि इलाके की आवाम को अशिया ज़रूरियात भी उन्हीं के मकान तक पहुँचा दी जाएगी। कारगुजार सदर रियासती कांग्रेस पार्टी तुलसी रेड्डी की क़यादत में आज कांग्रेस कायदीन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर कारकुनों ने साइकिल मोटरों को रस्सी से बांध कर खींचते हुए एहतजाज दर्ज किया है। बाज़ज़ां तुलसी रेड्डी ने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें $15 फी बैरल तक गिरने के बावजूद मोदी सरकार पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा कर रही है, जिससे गरीब आवाम पर काफ़ी बोझ बढ़ रहा है। जय कांग्रेस, 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 पेट्रोल डी పెట్రోలు డీజిల్కు సంబంధించి మన దేశ అవసరాలకు కావాల్సినంతలో 20% మాత్రమే మన దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతుంది, మిగతా 80% పెట్రోల్ను డీజిల్ను మనము అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుండి దిగుమతి చేసుకుంటాం. కాబట్టి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధర పెరిగితే ఇక్కడ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయి, అక్కడ తగ్గితే ఇక్కడ తగ్గుతాయి. కానీ నరేంద్ర మోడీ గారి పాలనలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగినప్పుడు ఇక్కడ పెరుగుతాయి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తగ్గినప్పుడు కూడా పెరుగుతాయి, అది విడ్డూరం. గత 6 రోజులుగా ప్రతిరోజు 60 పైసల నుండి 70 పైసలు పెరుగుతాను. ఈ 6 రోజుల్లో పెట్రోల్ మీద లీటర్కు 3 రూపాయల 31 పైసలు, డీజిల్ మీద 3 రూపాయల 42 పైసలు పెరిగింది. మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పాలనలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధర బ్యారెల్కు $140 ఉండే, $140 కొని ఇక్కడ మన దేశంలో పెట్రోల్ లీటర్కు 75 రూపాయలకు, డీజిల్ లీటర్కు 65 రూపాయలకు ప్రజలకు ఇచ్చేది యూపీఏ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్యారెల్ ముడిచమురు ధర $20 తగ్గిపోయింది. नासुन सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। दिनोशिन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।